मुझे अभी आज पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो पार्सल तो खोल लिया मैंने, तो इसको इजीली आप कहीं पे भी बांध सकते हैं, ताकि ये है कि ये देखें यूँ होल्ड रहेगा वहां पे, हिलने का भी खतरा नहीं है और वीडियो बनती रहेगी। तो इसका मैं यूज अब दबा के देखूँ क्या तो बैटरी हो इसके अंदर। अब ये ऑन यहां से होगा, ये ऑफ हुआ है, ये ऑन का बटन है, ये ऑन हमने किया। ओ वाह, ठीक है, ये देखें ये इसकी मिनी स्क्रीन ऑन हो गई है। अच्छा मैं यूं अपनी तरफ करके पहले करूं देखूं। अस्सलाम वालेकुम, योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए हाजिर है। जनाब कल मैंने आपको जो वीडियो लगाई थी उसमें बताया था कि अनबॉक्सिंग की वीडियो मेरी ठीक नहीं हुई थी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। वो उसका मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं ठीक हुई थी, क्या रीजन था, क्या वजह हुई। मैंने कैमरा बहुत जूम करके लगा लिया हुआ था, मैं नई टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रही थी कि उसके जरिए ना कुछ वो करने की करूं, लेकिन फ्लॉप हो गया। अच्छा जनाब, मैंने ये सामान आया है तेमू से, तेमू से ना, तेमू से ये सारा सामान आया है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसका आपको बता देती हूँ, क्योंकि देख लें इससे अंदाजा हो रहा होगा। कुछ चीजें यूज कर ली मैंने, ये भी यूज नहीं किया लेकिन ये यूज कर लिया। ये बर्तन को मारने वाला जो होता है ना, ये ड्रॉप इसके अंदर गिरा हुआ भी है, मैं इसलिए प्लेट मुझे एहतियात से लिख किया था, मुझे था कि ये गिर सकता है इसमें। जनाब आप इसको यूं प्रेस करेंगे ना, ये देखें अभी ड्रॉप, ये दिखा इसमें ड्रॉप गिरते हुए, ड्रॉप गिरेगा पतीली में और आप इसको यूं मान लेंगे, तो उससे आपके हाथ फटने से और पतीली को जो होती है ना स्टील वाली वो खुपती है हाथों में। तो ये वो वाला स्टफ नहीं है, ये मतलब मटेरियल ये अलग ही है। तो आई थिंक एक तो आपने इसके जरिए उसको पकड़ के वो करना है, पतीली को मारना है, और दूसरा ये उस तरह से इतना शार्प नहीं है कि आपके हाथों को नुकसान दे। अगर इन केस ये निकल भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि, और ये बहुत जल्दी खराब होगा भी नहीं शायद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, शार्प नहीं है लेकिन हार्ड है, तो मे भी अच्छी पतीली मांझे। अभी तो खैर इतनी गंदी नहीं थी पतीली, जिससे मैंने साफ किया तो वो ठीक हो ही गई। किसी दिन पतीली साफ करते हुए भी दिखा दूंगी, ठीक हो गया। तो ये मैंने वो लिक्विड सोप बनाया, यानी कि पतीली मांझने वाला, ये हो गया। अब दूसरा आइटम ये मंगवाया, ये जो शैम्पू अंदर डल जाएगा और आप सर धोने का जो नहीं मसाजर टाइप का, कि आपको बाल आपके ज्यादा टूटेंगे नहीं, ये वो हो गया। लिस्ट साथ में लगी हुई है तो आप उधर सारी चीजें इजीली देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट क्या वर्क है, इसका क्या वर्क करती है, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जनाब ये चाइल्ड लॉक है, जो हैंडल वाले दरवाजे होते हैं ना, हैंडल वाले, तो ये उसके लिए। तस्वीर देख लोगे तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। तो वैसे इसकी मुझे कोई इतनी खास जरूरत थी नहीं अभी, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन ले लिया। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आई जाती है, तो जब दिख गई थी मुझे तो मैंने कहा यार ये काम की चीज है और मुझे ये ले लेनी चाहिए। मैं किसी दिन विजिट कराऊंगी आपको, पूरा टूर दिखाऊंगी, तो फिर आप उसमें देखना कि मेरे जितना भी फर्नीचर है ना उसके हर कॉर्नर पे वो जो सिलिकॉन के जो कॉर्नर्स होते हैं वो लगे हुए हैं कि बच्चों का सर ना लग जाए, ये वो। हालांकि बच्चे आते हैं, मेरे घर में बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे आते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हो गया, तस्वीर आप साइड पर देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जनाब ये मैंने आईफोन के लिए मंगवाया था, जिससे अभी व्लॉग बना रही हूँ कि उसमें अटैच कर दूंगी, तो इसमें मेमोरी कार्ड, मेमोरी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, जो भी है मेमोरी कार्ड वो, या जो भी क्या क्या कार्डों के नाम है वो सब मतलब अटैच हो जाएगा, तो मैं इजीली अपना डेटा सेव कर सकती हूँ सब कुछ। लेकिन ये आईफोन का नहीं है, मैं खुश हो गई थी कि आईफोन का है, मेरी गलती है इसलिए इसको मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने ही खुद से इसको सिलेक्ट किया। ये मेरे इस मोबाइल के साथ, सैमसंग के साथ तो लग जाएगा, ठीक है। ये लाइट ऑन होगी इसकी, अब मैं इस पर सारा डेटा वेटे के लिए सारी सिम विम जो भी है ना सब कुछ वो कर सकती हूँ। ये इसके साथ तो परफेक्ट लग गया है, आईफोन के साथ ये नहीं लग रहा, क्योंकि आईफोन का नहीं है। और बाय मिस्टेक, गलती मुझसे क्या होगी कि मैंने चेक नहीं की थी लिस्ट, मैंने इसको पहले सर्च किया होगा तो बास्केट में डाल चुकी हुई थी, फिर मैंने दोबारा सर्चिंग में मुझे नजर आया, मैं समझी कि नई चीज दोबारा देखी है, तो मैंने सूट कर दिया, तो वो दो हो गए थे बास्केट में, तो मुझे इस तरह से ये दो आ गए, ये और एक, ठीक है सेम है। तो इसलिए अब ये मैं ही काम कर सकती हूँ, अली और आशा के लिए भी यूजलेस है, उन दोनों के पास भी आईफोन है तो उनको तो दे नहीं सकती, और मेरे इसके साथ फिर भी चल जाएगा। तो ये हो गया, ये दो, एक बाय मिस्टेक हो गया, बहरा लिया है, ठीक है आप यहाँ आ जाओ, आप थोड़ी उसमें। दूसरा ये मंगवाया मैंने यूएसबी, अब ये यूएसबी मैंने किस सेंस में मंगवा लिए, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ ये मेरा ख्याल से सिर्फ ये है कि मोबाइल, पता नहीं मैंने क्यों मंगवा लिया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस ये मोबाइल के साथ भी नहीं लगेंगे, ये यूं करके मतलब डेटा वो उस पर करने के लिए है आई थिंक, तो ये वो है, और मैंने बस बस मंगवा लिए बेवकूफी करके, चार हैं ये मैंने ये मंगवा लिए, बस यूएसबी समझ के मंगवा लिए थे। अब जब मैं लिस्ट पढ़ रही हूँ तो वो आप भी चेक कर लेना जो मैं लिस्ट लगाऊंगी ना। अच्छा जी, ये मैंने मंगवा लिया, लेकिन अच्छा ही हुआ कि उस वक्त ब्लॉग सही नहीं बना था अनबॉक्सिंग का, वरना रिव्यू दे नहीं सकती थी। इसका रिव्यू मैं आपको इस तरह से दूं कि ये मैंने मंगवा तो लिया यार, इसको मैं ऑन कर रही हूँ ना, ये वो काम नहीं कर रहा, यानी कि रिकॉर्डिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है। मैं इसमें ना जो मैंने सिम कार्ड, एक मैंने सिम कार्ड मंगवाया था, ये मैं दिखाती हूँ बल्कि आपको, ये 512
चश्मा लगा लू, एक मिनट है। टान 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 टान। चश्मा लगा के चेक कर लू क्या ये 500 MB। ठीक है, ये 500 MB की मैंने ये भी मंगवाई थी इसमें तेमू से, प्राइस और लिस्ट साइट पे आप देख लोगे। तो ये जनाब ये मंगवा के ये लीजिए, ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि वो हो सके। अब ये देखिए स्क्रीन ऑन है, मैंने ऑन कर ली। अब ये वीडियो मतलब इस तरह से स्क्रीन सारी दिख रही है, यहां ये ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। अब मैं इसको यूट्यूब पे लगा के इसका कोड डाल के चेक करूंगी कि वर्क क्या है। ये कैमरा ऑन है, ठीक है, ये कैमरा है। इस वक्त यूं कर रही हूं तो ये एकदम म्यूजिक का इसके ऊपर आ जाता है, जबकि म्यूजिक का ये थर्ड वाले पे है रिकॉर्डिंग का, यानी कि आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वॉइस रिकॉर्ड होगा, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड अपनी मर्जी से ही हो रहा है, आपको नहीं पता चलता किस वक्त वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। इस वक्त शायद हो रही हो, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको स्टॉप कर पा रहे हो, आप इसको ऑन कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं हो रहा। ये साइड वाला बटन भी इसके साथ, ये देख लें, इसका भी कोई सिस्टम इसके साथ अटैच नहीं हो रहा। मुझे अभी इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बुक देखते हुए भी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन वो उस पर दे रहे हैं उस हिसाब से भी कर रही हूं, तो ये उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है मुझे। बेहतर ठीक है, ये इस वक्त रिकॉर्डिंग ही हो रही है, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड, लेकिन ये इसका कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, ये अपनी मर्जी से निकलता है। अब ये देखो, ये मैं कैमरे के ऑप्शन पे से करूंगी। ओ, ये कैमरे के ऑप्शन पे किया मैंने। अब कैमरे के ऑप्शन पे करके जब मैं इस वाले बटन को प्रेस करके रखूंगी तो ये इसके ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके ऑप्शंस खुलते हैं ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना बैकअप को किस तरह से देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं आ रहा। ये सिर्फ ऑप्शन, ये इसको देखो, मैं कोई भी एक ओपन करके दिखाती हूँ। सिर्फ इसमें ये आ रहा है कि इस वाले पे कर लो, इस वाले पे कर लो, मतलब MB जो भी इसकी स्पीड बढ़ाना है या पिक्चर साइज, ये वो, इस तरह से ऑप्शन खुल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन उस तरह से नहीं खुल रही है। देख लो, उसके सिर्फ साइजेस और उसका मेजरमेंट जो भी जिस तरह से जो डिटेल है वो खुल रही है, बाकी और चीज के इसमें कुछ इस तरह से नहीं हो रहा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग या वीडियो या पिक्चर्स जो है वो मैं किस तरह से देख सकूं। बाय चांस कुछ खुलता है तो खुलता है। अब इसी ऑप्शन के साथ मैं इस बटन को भी दबाऊंगी तो ये इसे तस्वीर खींच दी। ठीक है, अब मैंने ये साइड वाला बटन दबाया, ये कैमरे के ऊपर आया हुआ तो ये तस्वीर खींच रहा है। ठीक है, इस वक्त ये तस्वीर खींची जा रही है, यानी कि मैंने इसकी लेनी है। ये साइड वाला बटन दबाऊंगी तो कैमरा मैंने जैसे आप लोगों की तरफ किया हुआ, ये तस्वीर खींच गई है। ओके, लेकिन अब मैं इसको देखूं कैसे कि इसके अंदर जो तस्वीरें हैं, वीडियो सही बनी है कि नहीं बनी है, तस्वीर सही आई है कि नहीं आई है, कुछ नहीं खुल रहा। कोई बटन प्रेस करने से उसका ऑप्शन सामने नहीं आ रहा। यहां पे लिखा हुआ है वीडियो, फिर चश्मा लगा लू। मैं उतार क्यों रही हूँ चश्मा, एक मिनट, कैमरे में जब आ नहीं रही तो चश्मा लगा के रखो, मुझे लगा कि खूबसूरत नहीं लग रही होंगी। ओ माई गॉड। ओके, वीडियो रेजोल्यूशन जो भी होता है, ठीक है, वो इस पे लिखा हुआ है। देखिए, मैं इसके ऑप्शन के ऊपर भी कर दूंगी ना, तो इधर सिर्फ साइजेस लिखे हुए 100 FHD को देख लो। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है, लेकिन इस तरह का कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसमें ये आ रहा हो कि मैं अपनी वीडियो को या चीजों को मैं किस तरह से ओपन करके देख सकती हूँ। ये फोटो रेजोल्यूशन है, इसको भी अगर मैं ओपन करेंगे इसके साइजेस आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी वीडियो को वॉच कहां से कर सकती हूँ, इन चीजों को मैं कहां से देख सकती हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी में मैं इसको जब लगा रही थी, अगर मैं इसको यूं करके लगा रही हूँ ना, ये हाइट के हिसाब से अगर मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, अभी आईफोन से तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो अटैच नहीं होगा, तो मैं आपको अभी जस्ट अपना सैमसंग का बता रही हूँ। आईफोन इससे ज्यादा हैवी है, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट इससे बता रही हूँ कि अगर मैंने इसको फिट कर दिया ना, ये देखो अभी से, ये देखो ये बैलेंस इसका आउट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद पीछे करके वो करूँ ना, सेटिंगों को एडजस्ट करने की कोशिश करूं, तो यूं गाड़ी के शीशे के साथ टकराएगा, ये यूं आ नहीं रहा। और दूसरा, ये यूं फिट हो गया अभी, क्योंकि इस तरह से तो ये चल जाएगा। अब मैं जब इसको टर्न करती हूँ ना मोबाइल को, इसका ये देखें, ये इसका बैलेंस, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये इसकी फिट नहीं होती सही से। ये बहुत तरद्दुद के बाद आप इसको फिट करोगे और कहीं पे भी इसका बैलेंस, अब आपको इसकी सेटिंग करनी होगी। ये देखो, अभी आईफोन नहीं है, आईफोन का वजन आपको पता है कि इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये यूं इसका मतलब वजन नहीं सह पाता कि नीचे जो इन्होंने दिया हुआ उसको प्रेस करके वहां पर लगाने के लिए, तो ये उसको सह नहीं पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा इसको मोबाइल को। आई होप कि मैं सही समझा रही हूँ आपको कि ये देखें, ये इसका ना मतलब मैंने बहुत कोशिश की। अब इसका दूसरा हल ये है कि या तो मैं इसके नीचे कोई चीज ना ऐसी लगाऊं कि गाड़ी पे फिक्स कर दूं, लेकिन वो आप अपनी चीज को, गाड़ी को नुकसान देने वाला काम है कि आप मतलब वो फिक्स हो जाएगा, जैसे एल्फी या मैं कोई ऐसी चीज कि जिससे उसको चिपका दूं और फिर बाद में उतारना हो, तो वो तो आप अपनी गाड़ी को डैमेज कर रहे हो ना, तो वो वाली चीज आ रही है इसके अंदर। तो ये इश्यूज आया था तो मैंने उनको कंप्लेंट की थी कि मेरी गाड़ी में ये एडजस्ट नहीं हो रहा। और वजन ये देखिए, मैं जितना मर्जी इसको बैलेंस वो करने की कोशिश करूं ना कि यार ये किसी तरह से बैलेंस को बर्दाश्त करे, तो ये उतना ही, ये क्योंकि इससे ज्यादा ये होता नहीं है, ये अभी यूं फिर भी ठहर गया। तो गाड़ी में आपको पता है गाड़ी में झटके आते हैं सब कुछ, तो ये यूं कितनी दफा मेरा मोबाइल गिरा, फिर मैंने तंग आके ये वापस आई और मैंने उनको कंप्लेंट की कि सॉरी ये मुझे नहीं चाहिए,
ये ठीक नहीं है क्योंकि ये वाकई मोबाइल का वजन नहीं सह रहा होता। लेकिन अगर आप में से कोई ले सकता है जिनकी बड़ी गाड़ी होगी ना, तो लाजी बात है वो आगे का डैशबोर्ड और शीशा वगैरह ये सब कुछ स्पेस बड़ा होता है, तो मे बी ये वहां एडजस्ट हो जाए। लेकिन हमारी गाड़ी नॉर्मल साइज की है तो उधर इतना स्पेस नहीं है कि ये उधर एडजस्ट हो, और इसको जिस साइज में एडजस्ट कर रही हूं तो पूरा वजन आगे गाड़ी अगर यूं खड़ा भी हो जाएगा ना, तो जब गाड़ी चलती है कोई झटका वटका आ जाए तो ये डिसबैलेंस होकर इसका जो गम चिपकती है ना नीचे वो उखड़ जाती है। ठीक है, तो ये इशू था जिसकी वजह से उन्होंने वापस नहीं लिया। वो मंगवा लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मंगवा लेते हैं तो भी, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे रिफंड कर दिए। ये उन्होंने कहा कि ये भी आप रख लें, तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनको इसकी भी कंप्लेंट दूं कि जी वीडियो नहीं बन रही है। इसलिए मैं एक दफा इसको फिर ट्राई करूंगी यूट्यूब पे इसका कोड डाल के, मे बी उधर इसकी कोई इंस्ट्रक्शन आई हुई हो कि इसको किस तरह से यूज करना है, और क्या पता कि थोड़ा बहुत यूज के काबिल हो जाए। हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो ये एज अ टॉय मेरे बच्चों में से ही किसी के काम आ जाएगा, मस्ती मस्तियों के, अदरवाइज ये मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ये स्टैंड इस वजह से जो है ना अभी तो बहुत बदतमीज है, ये यकीन मानो से मोबाइल अभी बिल्कुल सही पकड़ लिया, वरना ही पकड़ता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ये मंगवाया था, ये जब फ्रेश फ्रेश आया था बिल्कुल ठीक था। ठीक है, उस वक्त इसको खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो में रिव्यू बताया हुआ, ये भी मेरे एक ब्लॉग में से ही है, अनबॉक्सिंग में से। ठीक है, ये भी आई थिंक मैंने टेमू से ही मंगवाया हुआ है, मुझे अब एक्जैक्टली याद नहीं है, मैं चेक कर लूंगी, आई थिंक टेमू से ही है। ठीक है, तो यार ये इसको नीचे करो ऐसे तो ये अंदर जाता है, ये जैसे मजीद अंदर हो गया, इसको जब हम ऊपर करते हैं ना तो ये निकलता है। ठीक है, अब जब गाड़ी को साफ शीशा साफ करने के लिए किया ना तो ये इस पर हो नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने इसको बहुत कोशिश की इस तरह से करके लगाने की, तो ये जब तक आप इसको एल्फी के साथ या किसी और चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ये अब ना ये देखो इसमें पानी लगा था, मैंने इसे ना शीशे का डेमो लिया था, शीशा साफ किया था, ये इतना हार्ड हो गया हुआ ना, ये आपको आवाज से फील हो रहा होगा, ये फोम इतना हार्ड हो गया हुआ है, आई थिंक इसको पानी में डीप करके ही आप यूज कर सकोगे, वरना अदरवाइज आप यूं अगर अपने शीशे के ऊपर ये मारने की कोशिश करोगे ना, ये आपके स्क्रेचेस डाल देगा शीशे के ऊपर। अगर मैं इसको एल्फी के साथ फिट कर भी दू ना ये यूं करके कि इसको किसी तरह से मैं यूं चिपका दूं कि भाई ये फिर जब खुले, तो ये देखो इसका ना यहां से ये उखड़ गया हुआ है, मतलब ये मटेरियल ही उखड़ गया। ये देखो आप, अभी मैंने इसको उस तरह से यूज ही नहीं किया, फर्स्ट डे जब आप लोगों को डेमो का यूजिंग करके दिखाया था उसके बाद ये गाड़ी में रखा हुआ था, तब से अभी तक यूज नहीं हुआ था, उस दिन मैंने निकाला इसको यूज करने के लिए, तो इसका ये हाल हुआ है, ये हार्ड हो गया, तो इसको खोलने में ये यहां से ये उखड़ा और यहां से ये भी निकल गया। तो इसलिए ये भी अगर आप लोग लेना चाहें तो अपने ही बिहाफ पे लें, हो सकता है आप लोगों के पास सही निकला है, मैंने कोई गलती कर दी है या क्या है, बहरहाल मेरे पास जिस तरह से है और ये रियल में है, ये देखें बहुत हार्ड हुआ है, यानी कि जैसे कुछ स्पंज ऐसे होते हैं ना जिसको जब पानी में डीप करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, आई थिंक ये भी वही है कि आप इसको डीप करके यूज करोगे तो यूज होगा, अगर अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं गाड़ी में इसको यूं करके रख दूं और फिर जैसे शीशे पे नमी आया और वो फौरन इन खोलूंगा और शीशा साफ कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको वेट किए बगैर आप शीशे पे अगर मारोगे तो आपके शीशे पे स्क्रेचेस आ जाएंगे। तो इस वजह से ये भी रिव्यू आपको मैंने ऑनेस्ट दे दिया है कि ये यूजलेस है, या फिर आप इसको जब खोलना हो तो उससे पहले इसको पानी में डीप करें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए खुलने से पहले, तो शायद ये खुलने के बाद जैसे हार्ड में ये खुला है तो उसने ग्रिप छोड़ दी अपनी, दूसरी साइड से उखड़ना शुरू हो गया, एक साइड से तो क्लिप निकल गया, दूसरी साइड से जड़ से ही वो उसकी पट्टी जो है ना वो उखड़ गई, तो ये होना शुरू हो गया। तो इसलिए ये मेरे ऑनेस्ट रिव्यू थे, काफी चीजों के और रिव्यूज भी हैं, वो भी आप लोगों को अब साथ साथ देना शुरू करूंगी कि मैं यूज कर रही हूं, और काफी चीजें भी यूज नहीं की है मैंने इसलिए उनके रिव्यूज नहीं दे रही होती, चश्मा उतार दूं इतना अजीब सा दिखने में लगा। ये हो गया, दूसरा किसी भी किस्म का उनका चैनल है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते होगे तो आप उनके चैनल पे लाजमी जाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, देखो एक दूसरे की मदद करने से ही होता है और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूं मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो और लोग भी, यहां पे हर कोई ना किसी परेशानी और मजबूरी के तहत ही आया हुआ है, वरना अपनी लाइफ इतनी बिजी लाइफ का शेड्यूल इजीली ना इस तरह से जो आप लोगों को एक कैमरे में 10-15 मिनट में जो आपको दिखा दिया जाता है ना, ये इजी नहीं है। इस दौरान पूरे सुबह से लेकर रात तक में बहुत कुछ होता है, बहुत स्ट्रेस भी होते हैं, बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हम आपको उसको शिलिंग करके इतना सा करके दिखा देते हैं, ए लो जी ए आ गया साड़ा व्लॉग। तो व्लॉग इन्ना नहीं होता, व्लॉग लंबा होता है, तो उन्हें एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, तो उन्हें कहने अच्छी क्वालिटी से करना, मेरी खैर मैं अपनी बात नहीं कर रही, आप बोलोगे हाँ बड़ी चंगी वीडियो लेके आंदी, कह रही उन्होंने तो हिसाब नाल करना इंज करना, यार मैं अपनी बात नहीं कर रही, और जो मेहनती लोग हैं मैं उनकी भी बात करी, अगर आप उस पर भी तर्स खा लोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे भी लाइक और शेयर कर दो यार, थोड़ी बहुत मेहनत तो मैं भी करती हूं, तो आप उनका साथ जरूर दें यार, कुछ नहीं होता। और मैं उन लोगों से भी कह रही हूं जो सब्सक्राइब करते हैं ना और फिर कोई बात उनको बुरी लगती है तो आके अनसब्सक्राइब कर रहे होते हैं, यार आपके पास इतना टाइम होता है ढूंढने का किस बंदे को आके अनसब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करते हो अनसब्सक्राइब करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करके उसकी वीडियो पे नहीं जाते नहीं देखते तो भी एक ही बात है, आप डेड सब्सक्राइबर में ऑलरेडी जा चुके होते हो, तो अपने आप को क्यों इतना थकाते हो कि आके उसके चैनल पे क्यों, क्योंकि अगर वो बंदा मोनिटाइज होगा ना, मैं आपको एक रियल बात बता दूं, वो मोनिटाइज जब उसने होना है ना तो सबसे पहले एल्गोरिथम जो भी बोलते हैं उसने चेक करना है कि डेड सब्सक्राइबर कितने हैं, जो डेड सब्सक्राइबर होंगे ना उसने वो हटा देना है,
समझ में आई आपको? अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ था उसकी वीडियो पे जाते ही नहीं, आप कहते हो मिट्टी पाओ यदि वीडियो में क्यों देखनी है, तो वो उंज भी काउंट नहीं होएगा। तो एवं अपनी उंगलियां तकलीफ क्यों देते हो कि जाके अनसब्सक्राइब कर दो? वो एक ही गल है कि अनसब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देख दो, वो अनसब्सक्राइब भी समझो होया होंगे। लेकिन इन्ना टाइम होंगे तेरे को कि तुम दोबारा वो चैनल पर जाके उन्होंने अनसब्सक्राइब करो? चलो कर लो, वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो रब सोना जेड़ा है ना, इज्जत उन्हें ही देनी है, तो उन्हें ही तरक्की देनी है, तो उन्हें ही सब कुछ करना है। बहुत सारे दुनिया में इतने बहन भाई हैं, सब कुछ हैं, जो पसंद करते हैं, ठीक है। जिन्होंने चैनल को पसंद करना होगा, जिसके चैनल को भी पसंद करना होगा, उन्होंने पसंद करना ही है। जिन्होंने अपनी कोई भड़ास निकालनी है, कोई हसद रखनी है, तो वो करते रहो यार। किसी से हसद रखने से आपको कुछ नहीं होना, मिलना आपको वही है जब आपने खुद मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेहनत कर लो। अगर आप मुझसे हसद ये कर रहे हो, ले आ गई ये इतने बह के ट्रैटर कर रही, ओ यार मैं ट्रैटर कर रही हूं, मेरा जाती मसला है ट्रैटर करना, ताड़ा मसला नहीं है। तुम एवं बह के साड़ रहे हो, अपना खून साड़ रहे हो, क्यों अपना खून साड़ रहे हो? इन्नी पैड़ियां तो मेरा चैनल ना वेख्या करो आके, बराए मेहरबानी। वो वेखन जो खुशी खुशी देखना चाहते हैं, तो वही आके फिर मैं दसन कि मैं अपने चैनल से मजीद की कर सकती हूँ, की चेंज कर सकती हूँ। हूं मैं पता ताड़े शिपा आ जाना है, असि गोल गप्पा चैलेंज सारे चैलेंज बोले हैं, वो तो तू हाली तक कितने नहीं, यार मैं कर लूंगी। पता है क्या हो रहा है, जब हम लोग चैलेंज करने का सोचते हैं तो या कोई ना कोई मेंबर टीम जो है हमारी वो कम पड़ जाती है, या मेरी अपनी तबीयत खराब भी होती है, क्योंकि मेन पार्ट मैं ही हूं, मेरा ब्लॉग है, तो मैंने ही अरेंज करना है, मैंने ही इसको यानी कि वीडियो बनानी है, एडिट करना है, किस तरह से हमने इसको करना है, सब मैंने ही सोचना है। तो जब मैं ही बीमार पड़ी हुई होंगी तो मैंने किसको इनवाइट करना है और किसके साथ चैलेंज करना है? तो चैलेंज करने के लिए मेरी अपनी हेल्थ का ठीक होना भी जरूरी है, लाजी बात है। चाहे मैं गोलगप्पा चैलेंज करूं, लाजी बात है, खटास मसाले वगैरह सब है, हमें तो खैर इंडियन शॉप से रेडीमेड ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी खटास वगैरह होती है, तो वो जाहिर वो चीज खाने के लिए आपकी हेल्थ भी सही होनी चाहिए। फिर अगर मैं बर्गर चैलेंज भी करती हूँ, या उसके अलावा पिज्जा चैलेंज लेकर आती हूँ, या नूडल्स चैलेंज लाती हूँ, तो वो सब करने के लिए आपको फिट होना जरूरी है। तो जैसे होता है ना, अक्सर बच्चों के साथ कुछ गेम्स करनी थी, हमने फुल प्लान कर लिया था, शायद एक वीडियो में मैंने आपको बास्केट दिखाई थी कि उसके अंदर मैंने गेम्स से रिलेटेड चीजें रख भी ली थी। यहाँ वेदर ही ठीक नहीं था, क्योंकि वो पानी वाले काम थे, तो वो हम घर के अंदर तो कर नहीं सकते थे, वो हमें बाहर जाके ही करने। अब बाहर जब इतनी ऑलरेडी ठंड चल रही है, हवा चल रही है, तो अब आप खुद बताओ वो पानी वाली गेम बड़े भी या बच्चे भी कैसे करेंगे? ठंड की वजह से हम नहीं कर पाए, चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि पानी थोड़ा सा नॉर्मल वाला यूज कर लूं, ठंडा ना हो, लेकिन फिर भी बाहर तो ठंड है ना, आपके ऊपर पानी गिरेगा, हवा लगेगी, तो आपने बीमार ही होना है। तो उस वजह से ना वो डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूं या मैंने वो नहीं लाने चैलेंज, लेकर आऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दे कि वेदर थोड़ा सा बेहतर होता है। अच्छा, इत्तेफाक से जब वेदर थोड़ा बेहतर भी होता है ना, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो उस वजह से ना अक्सर मेरी तबीयत की वजह से ही अक्सर प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, लेकिन ये है कि बोर तो नहीं कर रही ना? कर रही हूं। तो चलो फिर इजाजत लेती हूँ, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।